सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और जैसे हम डिलीवरी लेके निकले हैं यार, तो ये जो है डिलीवरी के बाद दूसरा व्लॉग आप देख रहे हो, जस्ट टू सी हाउ इट परफॉर्म ड्यूरिंग द नाइट। तो अभी जो है साथ के साथ में ये भी टेस्टिंग हो जाएगी यार कि ये जो है सिटी ट्रैफिक में पूरे पीक ओवर में कैसा परफॉर्म करती है। तो अभी दूसरे गियर में चल रहे हैं हम और स्मूथली चल रही है बाइक में, कोई प्रॉब्लम ऐसे ऐसा नहीं कोई। ऑल्दो थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा ये जज करना, इसको हम जज करेंगे थोड़ा टाइम के बाद जब हम इसको चला लेंगे, बट ठीक है। जो इसकी हैंडलिंग ऐसा इतनी ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं कर रही है ट्रैफिक में, थोड़ी सी नई है तो इसलिए देख के चलना पड़ रहा है यार, नई चीज़ का होता है ना थोड़ा सा। तो फोर्थ गियर में भी 40 पे भी आराम से चल रही है, कोई वो नहीं है गियर शिफ्टिंग में। ये क्या बदतमीजी है यार, यार ऐसे जाहिल चलते हैं ना रोड पे, ब्लॉक करके खड़े हुए हैं, अब बात कर रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है। तो आई होप वीडियो ठीक आ रही होगी यार, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ अभी ये नाइट वाला। तो एक छोटा सा रिव्यू मैं दे दूँगा इसके अंदर, आप देखो आप हमने 33 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुके हैं हम शोरूम के बाद से, और जो है नाइट में थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है कि जो लाइट है वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो डेफिनेटली हमने अपने को जो है फॉग लैंप तो इसमें ज़रूर इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। फ़िलहाल अभी तो ये वेट है कि यार इसकी एसेसरीज वगैरह कब आएंगी क्या आएंगी। अभी तक तो जो है स्ट्रीट लाइट थी तो वहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा था, मतलब बेटर था इसका विज़न। अभी चलते हैं एकदम ऐसे रास्ते पर जहाँ कम स्ट्रीट लाइट है और सिंगल लेन है, तो कैसा दिखाई देता है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। और उन सभी भाइयों से जो इच्छुक है ऐसी ही चीज़ों के जानने के बारे में, ट्रैवलिंग व्लॉग है उससे रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यार। काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे थे, बट अब हमने जो है ब्लैक घोड़ा ले लिया अपना, तो इसको लेने के बाद अब ट्रिप पे ट्रिप लगेगी भाई बढ़िया बढ़िया, और व्लॉग जो है जल्दी जल्दी आते रहेंगे। तो ऑल्दो देखो यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट हैं, आई गेस मैं ये सपोज कर रहा था कि ये वाले एरिया में स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, तो ऐसा अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसके अंदर चलाने में ना, मतलब क्योंकि स्ट्रीट लाइट हैं तो ऑब्वियसली सारा सही दिख रहा होगा। और थोड़ी थोड़ी फॉग भी होने लग गई है, तो फॉग होने लगी है और यार ठंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैं जो है एक सिंगल जैकेट पहन के आया था क्योंकि दोपहर में आए थे तब उस टाइम पर थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी, लेकिन डिलीवरी लेते लेते जो है अपने को रात हो गई तो अब जो है ठंड फील हो रही है भाई, आहा। और थोड़ी थोड़ी फॉग जो है यहाँ मुझे दिखने लगी है। चलो ये आगे की सामने वाली फॉग तो देखी जाए यार, बट मेन जो दिक्कत है ना वो है स्पेक के, स्पेक्स जो मैंने पहने हुए हैं उनके ऊपर जो फॉग आती है, क्योंकि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना तो मेरे जो भाप निकल रही है मुँह से बेसिकली, तो उसकी वजह से मेरे जो स्पेक्स हैं उनके ऊपर फॉग जम जा रही है और वाइज़र में भी फॉग जम जा रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ओपन करके रखना पड़ रहा है। ओपन रखने से क्या हो रहा है कि वाइज़र जो ना थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, वो भी बड़ा अनोइंग सा साउंड कर रहा है। और दूसरा अभी जैसे यहाँ थोड़ा सा अंधेरा था जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, तो मुझे इसकी हेडलैम्प उतनी खास मतलब इम्प्रेस नहीं कर पाई कि यार बहुत बढ़िया है, क्योंकि और दो ऑल्दो जो एलईडी हेडलाइट्स हैं उनसे बेटर हेलोजन होती है, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है सामने वाले को तो काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन रोशनी उतनी नहीं दे पाती यार। ठीक है डिसेंट है जब आपके स्ट्रीट लाइट जल रही हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक दिखती है। और बट आई मस्ट से कि सिंगल लाइट से तो अपना काम चलने वाला नहीं, अगर अपने को लॉन्ग राइड और नाइट राइड भी करनी है तो वो तो एक अपने को लगवानी ही पड़ेगी। और कौन सी फॉग लाइट लगवाऊंगा मैं वो भी, उसका भी एक व्लॉग बना दूंगा,
सो दैट कौन सी फॉग लैंप्स इसके ऊपर सूट करती है या कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरा जंगल वाला एरिया है, अभी डेवलपमेंट में चल रहा है ये वाला एरिया। तो और ठीक ठीक सी लाइट लग रही है मुझे, बट क्योंकि कोई व्हीकल नहीं आ रहा था इसीलिए थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन जैसे कोई व्हीकल आता है ना आगे से तो इसकी लाइट थोड़ी सी दबी दबी फील होती है, मतलब उतनी शार्प नहीं रह पाती। ऑल्दो ये फुल सेटिंग पे है, हाई बीम पे भी कर रखी है मैंने, तो ठीक है, डिसेंट है बट नॉट द बेस्ट। वैसे चलाने में मज़ा आ रहा है बाइक को, बस लेके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी थोड़ा सा एक हाईवे आ जाएगा अपना, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं यार प्रॉपर हाईवे पे, जो एकदम फर्स्ट क्लास नया हाईवे बना है, और मैं आया ही इसीलिए हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसकी जो टेस्टिंग है नाइट वाली हो जाए, सो दैट अपने को जो है लंबी राइड पे निकलना है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम मेरे को फेस ना हो। तो पूरी टेस्टिंग आज ही कर लेंगे डिलीवरी के बाद ही भाई। ऑल्दो ये व्लॉग आप थोड़ा सा लेट देख रहे होगे डिलीवरी के, लेकिन ठीक है, इसकी नाइट वाली टेस्टिंग पूरी कंप्लीट आज कर लेंगे हम। तो यहाँ पे लाइट है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, और रोड भी खुले हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इस लाइट जो स्ट्रीट लाइट है ना बेसिकली, उसमें इसकी लाइट का पता ही नहीं लग रहा है कि कहीं इसकी लाइट है भी या नहीं है। थोड़ा सा अपने को मज़ा आया, पूरा एकदम चकाचक दिख रहा है, ब्लैक वाइजर में से भी पूरा डाउन कर रखा है और उसके बाद भी बढ़िया दिख रहा है यार, और फर्स्ट क्लास रोड बना हुआ है ये, मज़ा आ गया। अभी इसको ज़्यादा मैं भगा नहीं रहा हूँ, 60-70 के आसपास मैं रख रहा हूँ इसको, सो दैट जो इंजन है वो अपना फर्स्ट सर्विस तक पूरा अच्छे से खुल जाए। और सर्विस भी इसकी मुझे कल ही करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर लॉन्ग राइड पे निकलना है तो पहली जो सर्विस है वो मैं सोच रहा हूँ कि अपना दिल्ली में ही हो जाए। बीच में पहले प्लान था कि हम चलते चलते ऑन द गो इसको सर्विस करवा लेंगे, बट आप सोच रहे हैं कि यार इसको सर्विस करा के ही फिर अपनी लंबी राइड पे निकले। और भाई वाइब्रेशन तो हैं, देखो यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊँ, नीचे देख पा रहे हो आप, तो ये पोर्शन पे ना, मतलब अगर मैं टक कर रहा हूँ तो मेरे को वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। और अभी थोड़ा सा ना सीट की हाइट का भी मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक ये मैक्सिमम पे सेट है, तो थोड़ा सा मुझे ना टिपटो करना पड़ रहा है हाइट की वजह से। मेरी हाइट है 5'8", तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे टिपटो करना पड़ रहा है ट्रैफिक के अंदर। ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन बार बार जो रुक रहा था ना उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब लेग्स में स्ट्रेचिंग हो रही थी। तो इसकी एक बार सीट हाइट को और चेक कर लेंगे कि कौन से सेटिंग पे है, बट फिलहाल ऐसे रोड पे चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा सा सैडलिंग करते हैं, काफ़ी देर हो गया मैं बैठे बैठे, थोड़ा सा मैं पीछे स्ट्रेच होके बैठा हूँ, और ये ज़रूरी भी है जब आप राइड करते हो ना लंबी, तो बीच बीच में ऐसी स्ट्रेचिंग करते रहनी चाहिए, सो दैट आपका जो है बॉडी नॉर्मल उसमें बिहेव करे। तो यहाँ लाइट बंद है ना, लाइट बंद है तो यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। जो लाइट में एक मज़ा होता है ना आधा है, यहाँ यार मज़ा आ गया, तो वो वाली फील मुझे नहीं आ रही। और सिक्स्थ गियर पे चल रहा हूँ मैं, और 65-66 की रेंज में सिक्स्थ गियर पे बाइक चल रही है, और कोई भी नॉकिंग वाली प्रॉब्लम ऐसा मुझे फील नहीं हो रही भाई। तो गियरिंग जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से रखी गई है रॉयल एनफील्ड की, इस चीज़ में तो दाद देनी पड़ेगी। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे इसको चलाते रहेंगे ना, वैसे वैसे इसका पता लगता रहेगा, और जो मुझे पता लगता रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बट उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले भाई, और काफ़ी मेहनत लगती है, अब पता लग रहा है। ब्लॉग्स देखने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, लेकिन ब्लॉग्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा के कुछ और अच्छे व्लॉग बनाऊं, तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट ज़रूर देना पड़ेगा यार। एक थम्स अप शेयर कर दो, लाइक कर दो, और बाकी कमेंट तो आप लोगों के लिए ओपन है। तो आई होप ये वाला वीडियो भी काफ़ी लंबा ना हो, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट ईयर अहेड। Bye.